हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। द टॉपिक इज़ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें सॉलिड लिक्विड गैसियस तीनों के पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो सॉलिड स्टेट मैंने स्टार्ट किया था, तो सॉलिड स्टेट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बता दिए थे और उसी में आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके भी पार्ट मैंने बता दिए थे, क्लासिफिकेशन बता दिया था। तो जो क्रिस्टल के बारे में ही ये आगे भी आपको पढ़ना है थोड़ा। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कहलाता है, मतलब क्रिस्टल की जो संरचना होती है उसी को ही हम क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। इसको क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लैटिस हिंदी में इसको हम जालक ही कहते हैं, और स्पेस लैटिस मतलब क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट, आयंस के अरेंजमेंट की वजह से, तो एक 3D स्ट्रक्चर, त्रिविम संरचना बन जाती है, 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हम इसको स्पेस लैटिस या फिर हम त्रिविम जालक भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ आपको कि जो वेल ऑर्डर्ड रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है एटम का या आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का इन 3-डाइमेंशनल स्पेस इज नोन एज क्रिस्टलाइन लैटिस। मतलब जो एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वेल ऑर्डर्ड मतलब एक क्रम में, एक सीक्वेंस में जुड़े रहने की वजह से जो 3-डाइमेंशनल स्पेस में स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या फिर त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरे क्रिस्टल में आपको क्यूब्स दिख रहे हैं, एक क्यूब ये दिख रहा है, क्यूब ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्यूब हैं, इनको हम यूनिट सेल या फिर इकाई सेल बोलते हैं। और ये जो कॉर्नर्स, जो आपको क्यूब के कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट में एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं। तो ये एक वेल ऑर्डर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl, तो एक Na यहाँ पे होगा तो Cl यहाँ पे होगा, Na यहाँ पे होगा तो Cl। तो इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या एटम्स हैं वो अरेंज बने रहते हैं। तो ये जो इनके पॉइंट हैं जहाँ पे एटम्स लगे रहते हैं उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, मतलब जालक बिंदु या फिर जालक स्थल इनको बोला जाता है। तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था। इसके बाद ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के बारे में भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये भी कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक सिंगल क्यूब मैंने बनाया हुआ है, तो एक सिंगल क्यूब जिसको हम इकाई सेल या फिर यूनिट सेल कहते हैं। तो ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट, मतलब जो यूनिट सेल है इसी के बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल बनता है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, तो उसके बार बार रिपीट होने पे जो पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये जो यूनिट सेल हैं, तो इनके हिसाब से भी क्रिस्टल के जो हैं अलग अलग पार्ट बांटे गए हैं, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है यूनिट सेल के बेस पे। तो वो भी आपको बता देती हूँ, मतलब जो इकाई सेल है, इकाई सेल के बेस पे क्रिस्टल के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, जैसे नाम से ही आपको सिंपल दिख रहा है, तो साधारण घनीय व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि जो इकाई सेल होता है, यूनिट सेल होता है, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है। यहाँ पे जो क्यूब है, क्यूब के आगे 4 कॉर्नर्स हैं एंड पीछे 4 कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, और ये 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम जो है वो अरेंज रहता है। मतलब यानी कि एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम में टोटल 8 एटम जो हैं वो यहाँ पे कॉर्नर्स पे अरेंज हैं। और यहाँ पे जो एक क्यूब होता है, एक यूनिट सेल होता है, वो जो है 8 यूनिट सेल के लिए, मतलब एक एक कॉर्नर जो है वो 8-8 यूनिट सेल के लिए जो है वो कॉमन होता है। यानी कि ये एटम इस, अगर यूनिट सेल का है तो ये एटम दूसरे यूनिट सेल का भी रहेगा। तो इस तरीके से जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं, जो कॉर्नर के 8 एटम्स होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे होल क्रिस्टल में जो है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 1/8 पार्ट। तो ये जो कॉर्नर के एटम 8 एटम्स हैं, ये 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे क्रिस्टल के लिए। तो इस हिसाब से जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8, यानी कि 1 एटम। तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पर यूनिट सेल कितने एटम्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है उसमें पर यूनिट सेल 1 एटम है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर के 8 एटम्स हैं वो 8 एटम्स जो हैं 1/8 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे होल क्रिस्टल के लिए।
जो है 1/8 पार्ट बनाते हैं, तो इस हिसाब से वो पर यूनिट सेल 1 एटम्स रहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ये सेकेंड नंबर है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम यानी कि इसको ये शॉर्ट में शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादातर ये हमेशा BCC के नाम से ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि BCC की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखनी है, खासकर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको तो इंग्लिश की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, काय केंद्रित घनीय व्यवस्था, तो आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। बॉडी मतलब क्यूब की बॉडी और सेंटर मतलब जो क्यूब का सेंटर है, तो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है क्यूब, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का ही क्यूब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम की तरह 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स लगे हुए हैं, और एक बीचों बीच सेंटर में भी एक एटम एक्स्ट्रा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 8 कॉर्नर के एटम हैं वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 1/8 पार्ट बनाते हैं पूरे क्रिस्टल का, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और है। तो इस हिसाब से पर यूनिट सेल जो BCC है, BCC के हिसाब से पर यूनिट सेल कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम, क्योंकि 8 × 1/8 + 1। तो यहाँ पे जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है यहाँ पे 2 एटम्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो कॉर्नर है, कॉर्नर में तो 8 एटम्स रहेंगे ही, उनके अलावा एक एटम सेंटर पे भी रहेगा। तो इस हिसाब से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में 2 एटम पर यूनिट सेल रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड है वो है FCC। तो FCC और BCC दोनों ही शॉर्ट नोट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, तो FCC और BCC दोनों की आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखनी है। FCC की फुल फॉर्म होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम मतलब फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था। यहाँ पे अभी मैंने बनाया नहीं क्योंकि आपको क्लियर नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैं आप बना के बताती हूँ क्यूब। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का मतलब, पहले सिंपल क्यूबिक सिस्टम बना लेते हैं। ये पहले एक सिंपल क्यूब बना लिया। तो सिंपल क्यूब में जैसे आपको बता चुकी हूँ मैं कि जो पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, और आपको पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, फेसेस होते हैं 6, मतलब फेसेस का मतलब यहाँ दीवारों से है, क्यूब की कितनी दीवारें हैं, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक साइड की दीवार, एक इधर साइड की दीवार, एक ये ऊपर और एक नीचे। तो इस हिसाब से 6 फेसेस होते हैं क्यूब के और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा 6 एटम्स जो हैं वो फेसेस पर भी फेस टू फेस रहेंगे। जैसे इस फेस पे हैं तो इधर वाले फेस पे भी रहेंगे, नीचे के फेस पे हैं, ऊपर के फेस पे भी रहेंगे, पीछे के फेस पे हैं और आगे फ्रंट वाले फेस पे भी रहेंगे। तो इस हिसाब से टोटल 6 एटम्स जो हैं वो और ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 8 कॉर्नर्स के एटम हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1/2 पार्ट, वो सॉरी 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8 भाग बनाते हैं क्रिस्टल का। उसी तरीके से ये जो क्रिस्टल के जो फेसेस हैं, मतलब क्यूब के जो फेसेस हैं, ये 1/2 पार्ट बनाते हैं। क्यों 1/2 पार्ट बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है ये जो क्रिस्टल का फेस है, तो अगर यहाँ पे दूसरा क्रिस्टल होता तो ये फेस इस क्रिस्टल के यूनिट सेल के लिए भी है और दूसरे वाले यूनिट सेल के लिए भी ये फेस होगा। सेम उसी तरीके से अगर इसके ऊपर एक और यूनिट सेल है तो ये जो फेस है वो इस वाले यूनिट सेल के लिए भी और दूसरे वाले यूनिट सेल के लिए भी है। सेम इसी तरीके से ये भी फेस है, तो अगर यहाँ पे एक और यूनिट सेल होगा तो ये इस फेस के लिए भी है, इस यूनिट सेल के लिए भी होगा और दूसरे वाले यूनिट सेल के लिए भी होगा। तो इस तरीके से जो फेसेस के जो एटम होते हैं वो दोनों ही मतलब जो यूनिट सेल होते हैं उनके लिए आधे आधे पार्ट में होते हैं। तो जो फेस के जो एटम्स होते हैं यानी कि जो फलक है क्यूब के, उनके जो एटम्स होते हैं वो 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एटम्स हैं वो 1/2 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फेस, और जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हिसाब से 8 × 1/8 + 6 जो 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 6 × 1/2 हो जाएगा। इस हिसाब से FCC में पर यूनिट सेल एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि FCC में पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 एटम्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो कॉर्नर के एटम हैं वो 1/8 पार्ट बनाते हैं, और जो
फेसेस के एटम हैं 6 एटम्स, वो 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस हिसाब से 1 + 3 हो जाएगा 4 एटम्स। तो आई होप आपको ये क्रिस्टल के जो यूनिट सेल हैं उनके टाइप भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।